डिस्क्लेमर, अगर आप भूत प्रेत या उससे जुड़ी किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को नहीं मानते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, तो प्लीज वीडियो को स्किप कर दें। कौन है स्टीव हब जिन्होंने सुशांत की आत्मा से बातचीत करने का दावा किया है? आज हम जानेंगे स्टीव के बारे में, जिन्होंने अपने पैरानॉर्मल सेशन में कई सारे सेलिब्रिटी की आत्माओं से बात कर चुके हैं और उनकी फैमिली वाले भी दावा करते हैं कि ये उन्हीं की आवाज है। तो दोस्त, आइए हम जानते हैं उनके बचपन से लेकर उनके पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनने तक के सफर को। तो सफर शुरू होता है। स्टीव का जन्म अमेरिका के खूबसूरत शहर शिकागो इलिनियोस में हुआ। उनका पूरा नाम स्टीव हप है। उन्होंने अपने हाई स्कूलिंग बोगन हाई स्कूल शिकागो से पूरी की और वे क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। उनकी ये फोटो तब की है जब वे हाई स्कूल में पढ़ाई करते थे, ईयर 1987। अब इस बात को 33 वर्ष बीत चुके हैं और वे अब कुछ इस तरह दिखते हैं। जब स्टीव यंग एज में थे तभी से उन्हें पैरानॉर्मल और रूहानी शक्तियों को एक्सप्लोर करने की दिलचस्पी जगी और तकरीबन 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने आत्माओं से कांटेक्ट करने का एक बॉक्स बनाया। स्टीव हप ने 2012 में डेबी केसी से शादी कर ली। स्टीव हप दावा करते हैं कि उनका ये स्प्रिट बॉक्स 100% रियल है और वे बहुत सारे आत्माओं से बात कर चुके हैं। वे कहते हैं कि मैं 10 साल से यही कर रहा हूँ और यही मेरी जिंदगी है और ये बॉक्स बिल्कुल सही काम करता है। सुशांत की मौत के बाद लोग जानना चाहते हैं कि उन्हें किसने मारा। तब बहुत सारे लोगों ने स्टीव हब के पिछली सारी वीडियोज में कमेंट्स किए और कहे कि सर, आप सुशांत की स्पिरिट से बात कीजिए और मालूम कीजिए उन्हें किसने मारा। तब स्टीव हब ने कई दिनों के मेहनत के बाद सुशांत के आत्मा से कांटेक्ट किया और कई सारे राज अपने मौत के खोल दिए। उनके यूट्यूब चैनल हब पैरानॉर्मल में सुशांत की आत्मा से बातचीत करने के 3 वीडियोज अपलोड हैं और वे अभी भी उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर आगे और भी वीडियोज आते हैं तो मैं अपने यूट्यूब चैनल मिस्ट्रीज फॉर यू में आपको जानकारी दे दूंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और लास्ट में यही कहूँगा, वी वांट सीबीआई इंक्वायरी फॉर सुशांत।